ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਅਮਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਜੋ ਨੇ ਯਾਰ 100 ਸੀਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ RX 100 और RX 135 में क्या डिफरेंस है, कौन सा बाय करना चाहिए आपको? आज की वीडियो में ये आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या इतना डिफरेंस है कि RX 100 की इतनी डिमांड है और RX 135 की क्यों नहीं है। आप दोनों लेजेंड बाइक है, कौन सा मतलब आपको बाय करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? सो गाइस आज की वीडियो में ये बात करेंगे। सो सबसे पहले वेलकम गाइस, दिस इज केल ब्रांड, आपका ब्रदर। सो गाइस आज मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा कि RX 100 और RX 135 में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सी बाय करनी चाहिए और दोनों में कौन सी बेस्ट है, मतलब आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो नए हैं बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन वीडियो की टाइम टू टाइम आती रहे और आपको सारी यामा की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। सो गाइस बात करते हैं RX 100 की। जो RX 100 है उसे यामाहा कंपनी ने 1985 से लेकर 1996 तक मतलब रीलॉन्च किया था। वो कंपनी इसके बाद RX जी को लॉन्च किया था मतलब 1997 में। उसके बाद जो RX 135 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग 1997 से लेकर 2005 तक की। सो अगर हम RX 100 की बात करें, RX 100 जो है वो है फुर्तीली और चलने में स्मूथ। दूसरी बात उसकी इतनी पावरफुल 98 सीसी इंजन है ना, उसका कोई लेजेंड बाइक है वो, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है RX 100 का। सो ऊपर उसकी माइलेज भी बेस्ट है, पिकअप भी बेस्ट है, आवाज़ मस्त है। सो जो RX 100 है ना उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसकी जो ताकत है ना 98 सीसी में उन्होंने यामाहा कंपनी ने डाल दी है ना, वो आज तक 100 सीसी बाइक उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि अगर टॉप स्पीड की बात करें, जो 98 सीसी का इंजन यामाहा कंपनी ने दिया है उसकी टॉप स्पीड जो है वो है मतलब 100+, मतलब 110-115 टॉप स्पीड। और अगर इसके माइलेज की बात करें और उसकी जो माइलेज है वो आपको कंपनी मतलब कोई कहता है मेरी बाइक मतलब 40 की दे रही है, कोई 35, कोई 30 की भी दे रही है। वो डिपेंड करता है आपकी चलाने मतलब चलाई पर और डिपेंड करता है आपके मतलब रोड पर। काफ़ी वीरों ने मैसेज किया है कि मेरा RX 100 35 की माइलेज दे रहा है, 45 की दे रहा है, 30 की दे रहा है। वो अलग अलग माइलेज, इसका कोई भी मतलब तोड़ नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके बाइक की मतलब मेंटेनिंग पर और सर्विस पर और रोड पर कि आप कितनी तेज़ चला रहे हो या कितनी स्मूथ मतलब रोड है। सो गाइस अब बात करेंगे 135 की। जो 135 है ना वो थोड़ा सा उसमें यामाहा कंपनी ने काफ़ी चेंजेस किया है, उसके कॉइल लाइट थोड़ी ज़्यादा की गई है और उस पर थोड़ा हैवी पिस्टन डाला गया है ताकि उसकी पिकअप ज़्यादा हो। क्योंकि 132 सीसी की बाइक है जो 135 सीसी RX 100 है, उसकी जो माइलेज की बात करें वो कंपनी ने 28 से 30 तक की मतलब 35 तक की बताई है, मगर वो 25 से ऊपर नहीं माइलेज देता क्योंकि हमने 135 बहुत मतलब चलाया है। 30 की माइलेज समथिंग बहुत रियल 135 है जिसने 30 की माइलेज दी। अगर टॉप स्पीड की बात करें, क्योंकि 135 सीसी में है RX 135, उसकी टॉप स्पीड आपको 120 से ऊपर मिल जाएगी। क्योंकि देखो उसका इंजन हैवी होने की वजह से उसकी जो वाइब्रेशन है थोड़ी ज़्यादा है, जो कि RX 100 में नहीं है। क्योंकि RX 100 98 सीसी का होने की वजह से उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम है और 135 का थोड़ा सा इंजन हैवी है और उसकी वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा है। और अगर बात करें साउंड की, साउंड में दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेम साइलेंसर है, थोड़ा इंजन हैवी है 135 का और RX 100 का 98 सीसी है। सो आवाज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो 100 सीसी है ना उसकी थोड़ी लाउड साउंड है और 135 थोड़ी हैवी साउंड है। सो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। गाइस अब बात करेंगे, अब हम इन दोनों की अगर ड्रैग रेस कराएं तो कौन जीतेगी।
तो सबसे पहले हम RX 100 की बात करेंगे। RX 100 आगे निकल जाएगी क्योंकि फुर्तीली ज़्यादा है, और अगर 100 स्पीड की पर क्रॉस करे उससे पहले RX 135 100 स्पीड पर क्रॉस कर जाएगी क्योंकि इंजन हैवी है उसका। तो डिपेंड करेगा बाकी इंजन की मेंटेनिंग की काफ़ी, मतलब जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, उन्होंने अपनी बहुत अच्छे से मेंटेनिंग की हुई है RX 100 की। सो वो कहते हैं हमारा 120, 115, 130 इतनी टॉप स्पीड दे देता है। सो गाइस सब बात करेंगे इन दोनों में कौन सी आपको लेनी चाहिए या कौन सी आपके लिए बेस्ट है। पहले तो बात ये मैं बताऊंगा कि RX 100 लो या 135 लो, दोनों लेजेंड बाइक है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको सारी वीडियो में बता रही है कि थोड़ा बहुत माइंड डिफरेंस है, ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है। सो आप 135 लोगे वो भी यामा ही है, और 100 लोगे वो भी यामा है। बाकी डिपेंड करता है आपके शौक पर कि आपको कौन सा चाहिए, आपका शौक क्या है RX 100 चलाने का या 135 चलाने का। सो मैं इन दोनों लेजेंडरी बाइकों का कोई कंपैरिजन नहीं, मतलब बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। सो बाकी आपकी च्वाइस है, आप कौन सा खरीदें। दोनों लेजेंड बाइक है, दोनों ही बेस्ट है, 135 भी 100 भी। सो बाकी डिपेंड करता है आपकी मतलब शौक पर। सो गाइस ऐसी ही टॉपिक्स देखने के लिए चैनल पे जुड़े रहे, मिलते रहेंगे RX 100 की वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन। आपके डाउट कमेंट करके ज़रूर बताना, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम, कोई भी यामा के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। सो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, लव यू सभी से। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
Oh.